हेलो इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस एपिसोड के साथ। आज के इस एपिसोड में यहाँ पे हम लोग देखेंगे इन्फो बीम्स के बारे में। तो पहले यहाँ पे हम लोग देख लेंगे कंपनी के थोड़े बहुत हाईलाइट्स, फिर आते हैं चार्ट्स पे और फिर हम लोग वहाँ पे समझेंगे कि किन लेवल्स पे बाय करना है, कहाँ पे टारगेट लेना है, क्या स्टॉप लॉस लेना है। कंपनी की अगर मार्केट कैप यहाँ पे देखी जाए तो एक स्मॉल कैप कंपनी है, 1100 करोड़ की मार्केट कैप है। कंपनी की स्टॉक की पी देखोगे यहाँ पे 30 की है और इंडस्ट्री की पी आप लोग 34 की मिलेगी। तो मतलब वैल्यूएशन वाइज हो सकता है आप लोगों को देखिए कि कंपनी बहुत सस्ते वहाँ पे मिल रही है, लेकिन आपकी ये गलत फहमी भी हम दूर करने वाले हैं, बस सुनते जाओ। अब बुक वैल्यू करंट प्राइस देखोगे यहाँ पे 112 और 445 मिलेगी। मतलब यहाँ पे भी डिफरेंस अगर देखो तो 4 गुने का है, और आईटी कंपनीज में यूजुअली आप लोग देखोगे कि कम से कम कुछ नहीं तो 5 से 10 गुने के बीच में रहती है ये डिफरेंस। तो यहाँ पे भी आपको लगेगा कि कंपनी की वैल्यूएशन सस्ती है। तो लेकिन ये वैल्यूएशन सस्ती यहाँ पे मिल क्यों रही है और यहाँ से इसकी वैल्यूएशन क्या और गिर सकती है? तो थोड़ा सा मतलब मेरा आंसर है कि हाँ, यहाँ से थोड़ा सा चांसेस है कि नीचे आ सकती है इनकी वैल्यूएशन, और वैल्यूएशन नीचे आएगी तो मतलब ये समझ लेना कि प्राइस गिरेगी कंपनी की, तभी वैल्यूएशन गिरेगी। अब यहाँ पे कंपनी की स्टॉक की पी अगर इसका कंपेयर करोगे प्रॉफिट ग्रोथ से, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। मतलब डिफरेंस से मेरा मतलब ये है कि बेसिकली एक मार्केट के अंदर कहा जाता है कि अगर अर्निंग्स ग्रोथ 30 की है तो 30 की पी वहाँ पे जस्टिफाइड है, लेकिन अर्निंग्स ग्रोथ अगर 30 की है और अगर स्टॉक की पी 60 की है तो मतलब आपको बिजनेस डबल दाम पे मिल रहा है, मतलब उसके दुगने भाव पे मिल रहा है। तो वो थोड़ा सा एक रिस्क फैक्टर है हमारे पास। और यहाँ देखोगे लॉन्ग टर्म मतलब 3 साल की भी अगर आप लोग प्रॉफिट ग्रोथ या अर्निंग्स ग्रोथ देखोगे तो ये 20% की है, उस हिसाब से भी देखा जाए तो थोड़ा सा यहाँ पे और नीचे आने की चांसेस यहाँ पे आपको नजर आएंगी। बट अभी क्या है कि नैस्डैक के अंदर एक थोड़ा सा स्ट्रेंथ नजर आ रही है, और नैस्डैक भागना चालू करती है तो हमारी इंडियन आईटी कंपनीज भी भागती हैं लाइन से। तो उस हिसाब से देखा जाए तो मतलब थोड़ा सा अगर देखोगे तो आप लोग को चार्ट के अंदर अपॉर्चुनिटी मिलते ही यहाँ पे बाय करना स्टार्ट कर सकते हो। अगर यहाँ पे भी अगर आप लोग बाइंग करना स्टार्ट करोगे तो एक बेकार आइडिया नहीं है, क्योंकि यहाँ से अगर नीचे गिरेगी नहीं गिरेगी वो 50-50% चांसेस हैं। ज़रूरी नहीं कि स्टॉक ही भी यहाँ पे 20 पे ही आके हमारे पास आएगी, हो सकता है 30 पे बेस बना के वहाँ से ऊपर जाने की तैयारी कर ले। तो अभी फिलहाल देखेंगे यहाँ पे थोड़ी सी वैल्यूएशन, उस हिसाब से देखोगे तो ये थोड़ा सा जो आप लोग को सस्ता लग रहा है वो उतना सस्ता है भी नहीं। मतलब एक ठीक ठाक यहाँ पे आप लोग को वैल्यूएशन मिल रही है, ना बहुत ज़्यादा महंगी है ना बहुत ज़्यादा सस्ती है, सस्ती तो बिल्कुल नहीं है। अब यहाँ पे कंपनी की सेल्स ग्रोथ देखोगे तो वो 35% की है, ये यहाँ पे एक अच्छी बात है फिलहाल। अब मार्जिन 9.33% की है, और एक आईटी कंपनी के अंदर हम कहते हैं देखो सबकी बस की बात नहीं होती, जाके टेक्नोलॉजी कंपनी पढ़ो उसकी सर्विसेज समझ में आए। बस आप लोग एक छोटा सा अपना होमवर्क ये कर सकते हो कि सारे आईटी कंपनीज जो इसके पीएस हैं उससे जाके इसको कंपेयर करो, और वहाँ पे आप लोग देखो कि किसकी सबसे ज़्यादा मार्जिन है। जिसकी मार्जिन ज़्यादा होगी उसके अंदर आप लोग रैली देखोगे वो भी सबसे ज़्यादा होगी। जैसे यहाँ पे टाटा एलेक्सी है, फिर उसके बाद आप लोग को देखने को मिलेगा ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज। तो ये सारी कंपनीज देखोगे तो ये सारे चार्ट पे भी आप लोग को बहुत ज़्यादा रिटर्न जाते देते हुए मिलेंगे। रीज़न क्या है कि आईटी कंपनी के अंदर ना अगर आपकी सर्विसेज वैल्यूएबल है और आपकी सर्विसेज अच्छी हैं और मतलब उसके आसपास को कोई पीयर नहीं है, और जिस भाव पे आप बेच रहे हो वहाँ पे आपका मतलब क्लाइंट लेने को तैयार है, मतलब 100 रुपये पे दे रहे हो तो 100 रुपये पे लेगा, 120 रुपये पे ले रहे हो तो 120 रुपये पे लेगा, मतलब आपको वो मेहरबान है, तब आपकी यहाँ पे मार्जिन ज़्यादा होंगी। और आपकी अगर मतलब प्रोडक्ट अच्छा है तो डेफिनेटली मार्जिन ज़्यादा होगी, अगर प्रोडक्ट उतना अच्छा नहीं है मार्केट के अंदर उसकी इतनी वैल्यू नहीं है तो आपकी मार्जिन थोड़े से लोअर साइड पे रहेगी। तो आईटी कंपनीज को मेजर करने का ये एक बहुत ही ईजी तरीका है। ठीक, अब यहाँ पे नीचे आओगे तो आपको पता चलेगा कि मार्जिन थोड़ा सा रिसेंट टाइम्स में थोड़ी सी कम हुई है, वो थोड़ी बहुत सारी आईटी कंपनीज के अंदर हुई है, लेकिन बात यह है कि इन्फोवीम्स की कंपेयर किया जाए पीयर से तो पहले भी कम रही थी। और नीचे आओगे तो यहाँ पे पता चलेगा नेट प्रॉफिट अगर पिछले साल का देखोगे तो वो ज़्यादा था, इस साल का थोड़ा सा कम है। रीज़न क्या है, यहाँ पे फिर से मार्जिन अगर थोड़ी सी इंप्रूव होंगी आगे चलने वाले समय में तो यहाँ पर आप लोगों को फिर से एक अपट्रेंड देखने के लिए मिल सकता है। सेल्स वाइज देखोगे तो सेल्स वाइज कंपनी के सारे मतलब सेल्स वगैरह इंटैक्ट हैं, उसकी चिंता करने की बात नहीं है। और सेल्स कैसे बढ़ेंगी, सेल्स देखो बढ़ना मार्जिन वगैरह बढ़ना फिर से एक बार वो स्टार्ट हो जाएगी जब इंटरेस्ट रेट यूएस में घटना स्टार्ट हो जाएंगे, तो वो जब होगा आपको अपडेट कर देंगे। इंटरेस्ट रेट से क्या लेने देना, तो यहाँ पे काफ़ी कुछ लेना देना है, वो तो आपको सेपरेट वीडियो में बता देंगे, वैसे कई बार हम पहले बता भी चुके हैं, तो अगर हमारे साथ अगर आप बने हुए हो काफ़ी समय से तो आपको पता होगा ये फैक्टर। अब यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग देखोगे तो 74 है, यहाँ पे DI's की होल्डिंग देखोगे तो 0.02 है, पब्लिक की होल्डिंग 25%, मतलब शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे अच्छा नजर आएगा। अब चार्ट पे देखोगे तो पिछले बार हमने देखा था कि यहाँ पे कंपनी एक डाउन ट्रेंड के अंदर है, और फिलहाल अभी भी देखोगे तो एक डाउन ट्रेंड के अंदर ही है। इनफैक्ट थोड़ा सा इस वाले लेवल पे एक बार को ब्रेक करने की कोशिश किया था बट यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया। तो अभी फिलहाल देखो ये डाउन ट्रेंड को ब्रेक करने के साथ साथ ये वाले लेवल जैसे ब्रेक करता है आप इसके अंदर बाइंग करना स्टार्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे बेसिकली आपको ये वाले लेवल मार्क कर लेना है, तो यहाँ पे
515 के ऊपर जाते ही आप लोग बाइंग करना स्टार्ट कर सकते हो, फिर टारगेट आप लोग ऑल टाइम हाई के आसपास का भी ले सकते हो। लेकिन ये चीज़ होने में थोड़ा सा हो सकता है टाइम लगे इन्फोबीम के अंदर, बाकी आईटी कंपनीज के कंपैरिजन में थोड़ा सा यहाँ पे रैली पेंडिंग सी है। तो ये चीज़ आप लोग अभी फिलहाल इसको ट्रैक करना और वॉचलिस्ट में डालना स्टार्ट कर देना। देखो एक नेगेटिव फैक्टर यहाँ पे चार्ट के अंदर भी हम बताएं तो ये है कि कंपनी के अंदर वॉल्यूम में सेलिंग आ रही है, तो फिलहाल अभी थोड़ा सा देखो तो टाइम लग सकता है 516 को क्रॉस करने में, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी जब तक सेलिंग हो रही है तब तक थोड़ा सा ये चीज़ मुश्किल है। ऑल्दो लेकिन इसको आप लोग वॉचलिस्ट में रखना, क्योंकि अगर इसके अंदर फिर भी अगर रैली पेंडिंग रहती है तो देर में सवेर आपको इसके अंदर थोड़ा सा रैली मिल सकती है। अभी के लिए ओवरऑल बिजनेस का अगर आप लोग ओवरव्यू लेना चाहो तो मतलब बिजनेस ओके है, कंपनी का बिजनेस बेकार नहीं है। चार्ट के अंदर आपको ब्रेकआउट वगैरह मिलता है तो उस बेसिस पे आप लोग इसके अंदर ट्रेड ले सकते हो, लेकिन इन्वेस्टमेंट पर्पज से थोड़ा सा हम कहेंगे कि मतलब दूर ही रहना फिर, क्योंकि अगर हमको इन्वेस्ट करना है ना तो हमें इन्वेस्ट करने के लिए ऐसी कंपनी चाहिए जिसकी मार्जिन अच्छी हो बाकी अपने पीएस से। तो अभी फिलहाल के लिए चलेंगे, मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना, बेल आइकन वाली नोटिफिकेशन बटन जरूर दबाना और अपना कैपिटल सेफ रखना। ओके बाय।